मूवी की शुरुआत में हमें 11 साल का बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम है प्रिस्टन वॉटर्स। ये अपने पेरेंट्स और दो बड़े भाइयों के साथ रहता है जो इसे अक्सर तंग करते हैं। हाल ही में इन्होंने प्रिस्टन के कमरे का कुछ हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया ताकि ये यहाँ पर कंप्यूटर लगाकर अपने छोटे से बिजनेस को बढ़ा सके। उनके पिता फ्रेड अपने बड़े बेटों से बहुत खुश थे जबकि वो अपने छोटे बेटे को नकारा समझते थे क्योंकि वो सेविंग्स नहीं करता था। एट द एंड हमेशा प्रिस्टन को ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता। इसके बाद वो अपने दोस्त बुच की बर्थडे पार्टी के लिए एम्यूजमेंट पार्क जाता है। उसके पिता ने सिर्फ उसे $10 ही दिए थे जिस वजह से वो अपने दोस्तों के साथ रोलर कोस्टर राइड में नहीं बैठ सका। इसके बजाय उसे बच्चों वाली हॉर्स राइडिंग से ही काम चलाना पड़ा। प्रिस्टन के पास दूसरे बच्चों जितने पैसे नहीं थे जिस वजह से उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे। ऐसे नालायक दोस्त ना ही हो तो बेहतर है। खैर प्रिस्टन की फैमिली गरीब नहीं थी लेकिन उसके पिता ने कुछ ज्यादा ही मोटिवेशनल वीडियोस देख ली थी इसलिए उनके सर पर अपने बच्चों को सेविंग्स की इम्पोर्टेंस सिखाने का फितूर सवार था। इसी वजह से प्रिस्टन के पास वो चीजें भी नहीं थी जो उसकी फैमिली इजीली अफोर्ड कर सकती थी। अगली सुबह नाश्ते के दौरान प्रिस्टन के भाई बेसबॉल गेम देखने जा रहे थे। प्रिस्टन भी उनके साथ जाना चाहता था मगर उसके पास टिकट के पैसे नहीं थे। फ्रेड ने उसे समझाया, अगर तुम मस्ती करना चाहते हो तो तुम्हें सेविंग्स करने की आदत डाल लेनी चाहिए बेटा। इसके जवाब में बच्चे ने कहा, जब मेरे पास पैसे ही नहीं है तो मैं सेव क्या करूं? उसकी माँ ने उसे एक एनवलप दिया जिसके अंदर उसका बर्थडे गिफ्ट था जो कि उसकी दादी ने उसके लिए भिजवाया था। लिफाफे के अंदर एक ब्लैंक चेक होता है। चूंकि उस पर कुछ नहीं लिखा था तो प्रिस्टन को लगा कि ये बेकार है। उसके पिता ने चेक पर $11 लिख दिया। उनके हिसाब से एक बच्चे के लिए इतने पैसे काफी थे। इतने कम पैसे मिलने की वजह से प्रिस्टन शिकायत करने लगा। उसके पिता ने उसे समझाया कि $11 को अगर सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो इसके इंटरेस्ट से ही तुम मिलेनियर बन सकते हो, वो भी कुछ ही वक्त में। प्रिस्टन ने अपने पिता की बात को वेरीफाई करने के लिए इंटरनेट की मदद ली। कैलकुलेटर में देखने के बाद उसे पता चला कि $11 को 1 मिलियन होने में लगभग 3 लाख साल लग जाएंगे। ये नंबर्स देखने के बाद उसके दिमाग में ये तो क्लियर हो गया कि वो मिलेनियर नहीं बनने वाला, हाल फिलहाल तो बिल्कुल नहीं। फिर भी वो सोने से पहले विश करता है कि उसका खुद का घर हो और उसके पास ढेर सारे पैसे हो। बदमाश क्विगली अभी अभी जेल से फरार हुआ है। बरसात की रात में वो एक पुरानी बिल्डिंग में जाता है जहां उसने $1 मिलियन छुपा रखे थे। वो इस पैसे का इस्तेमाल अपनी आइडेंटिटी बदलने के लिए करने वाला था। हालांकि इन पैसों को FBI ने मार्क कर रखा था, अगर वो इन्हें इस्तेमाल करेगा तो FBI उसे आसानी से ट्रैक कर लेगी। उसने पुलिस से बचने के लिए एक प्लान बनाया। वो सबसे पहले बाइडरमैन से मिलने गया जो एक बैंक का प्रेसिडेंट था। बाइडरमैन भी मनी लॉन्ड्रिंग के धंधे में क्विगली का साथी रह चुका था इसलिए क्विगली उससे नोट एक्सचेंज कराना चाहता था ताकि वो पुलिस को चकमा दे सके। बाइडरमैन ने उसे मना कर दिया क्योंकि वो अब मनी लॉन्ड्रिंग के धंधे से दूर रहना चाहता था। मगर क्विगली ने अपनी बात मनवाने के लिए उसके परिवार को खत्म करने की धमकी दी जिस वजह से ना चाहते हुए भी बाइडरमैन को उसकी बात माननी पड़ी। क्विगली ने उसे समझाया कि कल एक बंदा आएगा जिसका नाम है जूस, तुम्हें सारा पैसा जूस को देना है। उसी वक्त प्रिस्टन अपना बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए बैंक आता है ताकि वो अपने $11 निकलवा सके। शाय नाम की एक खूबसूरत लड़की ने उसे बताया कि उसे कम से कम $200 जमा करने होंगे तभी वो इस बैंक में अकाउंट ओपन करा सकता है। प्रिस्टन ने उससे वादा किया कि वो जल्दी वापस आएगा जैसे उसके पास $200 इकट्ठे हो जाएंगे। ये कहकर वो बैंक से बाहर आ गया। बैंक के बाहर प्रिस्टन का नकली दोस्त बुच उसके पैसे छीनकर भागने लगा। प्रिस्टन ने उसका पीछा किया। बुच का पीछा करते हुए वो क्विगली की गाड़ी से टकरा गया। प्रिस्टन की साइकिल टूट गई जिस वजह से क्विगली कार से बाहर आया और उसके नुकसान की भरपाई के लिए एक चेक लिखने लगा। इससे पहले वो चेक पर अमाउंट डालता पुलिस वहां पर आ गई। क्विगली प्रिस्टन को ब्लैंक चेक थमाकर वहां से भाग गया। घर आने पर उसके पिता ने उस पर बहुत गुस्सा किया क्योंकि उसने अपनी साइकिल तोड़ दी थी। हफ्ते भर के लिए उसका घर से बाहर निकलना बंद कर दिया गया। इस सब के बावजूद भी प्रिस्टन ने अपने पिता को एक्सीडेंट या ब्लैंक चेक के बारे में कुछ नहीं बताया। रात में वो चेक पर एक रैंडम नेम और $1 मिलियन अमाउंट डालता है। अगले दिन प्रिस्टन $1 मिलियन का चेक कैश कराने के लिए बैंक जाता है। बैंक एम्प्लॉय को लगा कि वो मजाक कर रहा है इसलिए वो उसे प्रेसिडेंट बाइडरमैन के पास ले गई।
चेक पर क्विगली के साइन थे, जिस वजह से बाइडमैन को लगा कि प्रिस्टन क्विगली का बंदा जूस है, जिसके बारे में क्विगली ने उसे एक दिन पहले बताया था। प्रिस्टन यहाँ कर पछता रहा था, उसे लगा कि अब उसे कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए वो यहाँ से जाने लगा। तभी बाइडमैन ने उसे रुकने के लिए कहा और सेफ में से नोटों की गड्डी निकालकर उसके बैग में भरने लगा। ये सब देखकर प्रिस्टन हैरान था। पैसे लेकर निकलते हुए प्रिस्टन रियल जूस से टकरा गया। जूस ने उसे मामूली बच्चा समझकर जाने दिया। उसने बाइडरमैन से मिलकर अपने बारे में बताया। बाइडरमैन को जल्द ही अपनी गलती का अंदाजा हो गया। वो बच्चे को ढूंढने के लिए बाहर भागा, लेकिन बच्चा तो अब तक वहां से निकल चुका था। जैसे ही प्रिस्टन घर पहुंचा, वो सबसे पहले अपने लिए एक नया घर देखने लगा। अपने आस पड़ोस में ही उसे एक मकान पसंद आ गया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। उसने तुरंत रियल इस्टेट वाले को फोन लगाया और एक सॉफ्टवेयर की मदद से उसने कंप्यूटर वाली आवाज में उससे बात की। उसने $3,00,000 में वो घर खरीद लिया। जब उसका नाम पूछा गया तो उसने कंप्यूटर पर देखकर अपना नाम मैकिंटोश बता दिया। आज वो बहुत खुश था, क्योंकि उसे जो कुछ अपनी जिंदगी में चाहिए था, फाइनली वो सब उसे मिल गया। जब क्विगली को पता चला कि उसके पैसे गायब हो चुके हैं, तो वो गुस्से से पागल हो गया। शुरुआत में तो उसने बाइडरमैन को कसूरवार ठहराया, लेकिन थोड़ा सोचने पर उसे वो बच्चा याद आया जिसे उसने ब्लैंक चेक थमा दिया था। उन तीनों ने फैसला किया कि वो बच्चे को ऐसी जगह पर ढूंढेंगे जहां बच्चे अक्सर जाते रहते हैं। इसी बीच प्रिस्टन ने अपने लिए एक लिमोजिन खरीद ली और उसने ड्राइवर को उसे घर से पिकअप करने के लिए कहा। प्रिस्टन चोरी चुपके खिड़की से बाहर निकलता है और फिर अपने ड्राइवर हेनरी से मिलता है। शुरुआत में तो हेनरी को लगा कि ये कोई प्रैंक है, लेकिन जैसे ही प्रिस्टन ने नोटों की गड्डी निकाली, वैसे ही हेनरी ने उससे माफी मांगकर उसे कार में बैठने के लिए कहा। प्रिस्टन ने बताया कि उसके पास जो कार है वो एक करोड़पति बिजनेसमैन की है। उसने खुद को मैकिंटोश का एम्प्लॉय बताया ताकि कोई उस पर शक ना करे। हेनरी को प्रिस्टन पर यकीन था और वो उसे शहर के सभी मॉल्स में लेकर गया। उन्होंने नए घर के लिए टीवी, खिलौने, वीडियो गेम्स, कपड़े, इसके अलावा और भी बहुत सा सामान लिया। प्रिस्टन ने आइसक्रीम की एक बकेट भी खरीदी, जिसके लिए उसके पेरेंट्स उसे कभी इजाजत नहीं देते। रात में वापस घर लौटते वक्त वो बैंक एम्प्लॉय शाई से मिला। शाई को याद था कि ये वही $200 वाला लड़का है। प्रिस्टन ने उससे कहा कि उसने अब कुछ पैसे कमा लिए हैं और वो जल्दी उससे बैंक में आकर मिलेगा। प्रिस्टन के जाने के बाद हम देखते हैं कि शाई किसी आदमी से मिलती है और उसे अपने काम करने की जगह के बारे में सब कुछ बता देती है। यहीं ये राज खुलता है कि शाई एक सीक्रेट FBI एजेंट है जो एक मिशन पर है, और उसका मिशन है उन मनी लॉन्डर्स को पकड़ना जो बैंक में काम कर रहे हैं। अगली सुबह फ्रेड काम पर जाने के लिए निकलता है, पर उसका रास्ता कुछ गाड़ियों ने रोक लिया जो टॉयज, फर्नीचर और कुछ टीवी सेट्स पास वाले मकान में शिफ्ट कर रहे थे। फ्रेड पता करने जाता है कि आखिर माजरा क्या है। तभी वो अपने छोटे बेटे को देखता है जो सभी लोगों को ऑर्डर दे रहा था। जब फ्रेड ने प्रिस्टन से इस सब के बारे में पूछा, तो प्रिस्टन ने उन्हें बताया कि अब मैं बिजनेसमैन मैकिंटोश के लिए काम करता हूं, जो कि आज ही हमारे पड़ोस में शिफ्ट हुए हैं। फ्रेड नहीं चाहता था कि उसका बेटा किसी अजनबी के लिए काम करे, मगर प्रिस्टन ने उसे समझा दिया कि मैकिंटोश एक अच्छा इंसान है। यहाँ तक कि उसने अपने पिता के लिए पूरा रास्ता खाली करा दिया। फ्रेड ये देखकर हैरान था कि उसका बेटा इतने सारे लोगों को ऑर्डर्स दे रहा है। प्रिस्टन के नए घर में एक रेस ट्रैक, कुछ बैलून हाउसेस और एक वीडियो गेम सिस्टम था। साथ ही साथ प्रिस्टन का पर्सनल ऑफिस और एक शानदार स्विमिंग पूल जिसकी स्लाइड सीधे ऑफिस से कनेक्ट होती थी। इसी बीच क्विगली, बाइडरमैन और जूस बच्चे की तलाश में पार्क पहुंच गए। उनका एक लौता सबूत एक धुंधली फोटो थी जो बैंक के सर्विलेंस कैमरा से ली गई थी। एक अमीर आदमी के पड़ोस में आने की बातें चारों तरफ घूमने लगी थी। यहाँ तक कि शाई ने भी मैकिंटोश के बारे में सुन लिया था। मैकिंटोश के पास इतना ज्यादा पैसा देखकर और जिस तरीके से वो पैसे को खर्च कर रहा था, इससे शाई को उस पर शक हो गया। उसे लगा कि वो किसी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो सकता है, इसलिए एक दिन वो उससे मिलने उसके घर गई। वहां उसे मैकिंटोश की जगह प्रिस्टन मिलता है। जब उसने मैकिंटोश के बारे में पूछा, तो प्रिस्टन ने उससे कह दिया कि मैकिंटोश अभी एक बिजनेस ट्रिप पर है और उन्हें लौटने में एक महीना भी लग सकता है। शाई वहां से जाने ही वाली थी, तभी प्रिस्टन ने उससे डेट पर चलने के लिए पूछा। शाई पहले तो घबरा गई, लेकिन बाद में वो मान गई, क्योंकि प्रिस्टन ने उसे बताया था कि वो मैकिंटोश का फाइनेंशियल मैनेजर है। बाद में उसने अपने ड्राइवर हेनरी से पूछा कि लड़की को डेट पर कैसे ले जाते हैं। हेनरी के हिसाब से औरतों को वे मर्द पसंद आते हैं जिनके पास ढेर सारा पैसा होता है।
वे दोनों डेट के लिए डेली एक्सरसाइज करने लगे। वक्त के साथ हेनरी उसका बेस्ट फ्रेंड बन गया क्योंकि वे दोनों साथ में खेलते, खाते और मस्ती करते थे। प्रिस्टन के परिवार को अभी भी लग रहा था कि उनका बेटा करोड़पति मैकिंटोश के लिए काम कर रहा है। बावजूद इस सब के भी फ्रेड उसे डेट पर नहीं जाने दे रहा। प्रिस्टन ने अपने पिता को धीरे से समझाया कि वो उसका काम मैकिंटोश को दिखाएगा। उसके पिता को लगा कि प्रिस्टन और करोड़पति मैकिंटोश की दोस्ती से उसका भी फायदा हो सकता है, इसलिए उसने अपने बेटे की लाइफ में दखलंदाजी करना बंद कर दिया। रात में प्रिस्टन और शाही एक महंगे रेस्टोरेंट में गए। उसने शाही को गिफ्ट के तौर पर एक नेकलेस दिया, लेकिन बाद में उसने बता दिया कि ये गिफ्ट मैकिंटोश की तरफ से है। इसके बाद वे दोनों पानी में खेलने लगे। उनकी मस्ती ज्यादा देर नहीं चली क्योंकि वहां पर क्विगली और उसके साथी आ गए थे। इससे पहले वे उन्हें पकड़ पाते, प्रिस्टन शाही को अपने साथ भगाकर अपनी लीमो में ले गया। जाने से पहले उसने शाही को अपनी और मैकिंटोश की बर्थडे पार्टी में बुलाया जो कि इसी वीकेंड को होने वाली थी। जैसे ही उसे पता चला कि पार्टी में मैकिंटोश भी आने वाला है, वैसे ही उसने भी आने के लिए हामी भर दी। अगले दिन प्रिस्टन ने एक पार्टी प्लानर को हायर किया। उस लेडी ने पार्टी के लिए प्रिस्टन से $10,000 का एडवांस डिपॉजिट ले लिया। वो बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहती थी ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो सके। इसके बाद हेनरी अपने दोस्तों के साथ चला गया और प्रिस्टन घर में अकेला रह गया। उसके पास हेनरी के अलावा कोई भी नहीं था जो उसके साथ खेल सके, इसलिए जब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था तो वो पार्क में जाता है जहां उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। उसी वक्त प्रिस्टन को ढूंढते हुए क्विगली और उसके साथी भी पार्क में आ गए। उन्होंने बच्चे को देख लिया। प्रिस्टन भी उन्हें देखते ही भागने लगा। बच्चे का पीछा करते हुए उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। बाइडरमैन ने कहा कि इस बच्चे को पकड़ने से तो 1,000,000 दोबारा चुराना ज्यादा आसान होगा। वे लोग हिम्मत हारने वाले थे तभी उनके हाथ जैकपॉट लगा। प्रिस्टन का दोस्त बुच, ये बच्चा तो वैसे भी बता देता, भला इसे बिल्डिंग के कोने पे बिठाने की क्या जरूरत थी। खैर इन्होंने बुच से प्रिस्टन का असली नाम और एड्रेस पता कर लिया। आज बर्थडे की रात थी, सारी तैयारियां हो चुकी थी। प्रिस्टन के भाई उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि शाही एक गोल्ड डिगर है और तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, उसका इंटरेस्ट सिर्फ मैकिंटोश के पैसों में है। ये सब सुनकर प्रिस्टन उदास हो गया और वो एक्सपर्ट एडवाइस के लिए हेनरी के पास गया। हेनरी ने भी इस बात से इनकार नहीं किया कि कुछ लोग तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए अच्छे हैं क्योंकि उन्हें तुमसे ज्यादा तुम्हारे पैसों में दिलचस्पी है। वे फाइनली पार्टी में आ गए। प्रिस्टन को अपने ही गिफ्ट खोलने की इजाजत नहीं थी क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड मैकिंटोश के आने का इंतजार कर रहा था, वही इन तोहफों को खोल सकता था। प्रिस्टन को खाना भी पसंद नहीं आया क्योंकि उसने तो सोचा था कि यहाँ पर पिज्जा और आइसक्रीम मिलेगी। दूसरी तरफ शाही और उसकी टीम को मैकिंटोश का कोई भी पास्ट रिकॉर्ड नहीं मिला, जिससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि मैकिंटोश एक क्रिमिनल हो सकता है जिसने हाल ही में अपनी न्यू आइडेंटिटी बनाई है। FBI ने आज रात ही उसे पकड़ने का प्लान बनाया हुआ था। पार्टी प्लानर ने प्रिस्टन को $1,00,000 का बिल थमा दिया। उसने फिर ऑफिस में जाकर अपना बैलेंस चेक किया तो सरप्राइजिंगली प्रिस्टन ने मात्र 6 दिन के अंदर सारे पैसे उड़ा दिए थे और अब उसके पास सिर्फ $300 बचे थे। उसने बाहर जाकर प्लानर को बताया कि मैकिंटोश अभी मिसिंग है, जिसका मतलब ये था कि प्लानर को उसके पैसे नहीं मिलने वाले। पार्टी प्लानर ने ये सुनने के बाद वहां पर तमाशा बना दिया और जैसे कि पार्टी खत्म हो चुकी थी उसने सभी को घर जाने के लिए कहा। जल्दी सभी लोग अपने अपने तोहफे लेकर घर चले गए। जब प्रिस्टन अपने लिविंग रूम में अकेला था तब क्विगली और उसके साथी वहां आ धमके। वे उससे पैसे के बारे में पूछने लगे। बेचारे प्रिस्टन ने उन्हें सच बता दिया, लेकिन वो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि उसने 6 दिनों में ही सारे पैसे खर्च कर दिए। बाइडरमैन ने क्विगली को सलाह देते हुए कहा कि उसे मैकिंटोश की आइडेंटिटी चुरा लेनी चाहिए क्योंकि वैसे भी वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसकी आइडेंटिटी चुराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्विगली को आइडिया तो पसंद आया, मगर आगे चलकर प्रिस्टन उनके लिए समस्या खड़ी कर सकता था क्योंकि उसे सब कुछ पता था। ये सुनते ही प्रिस्टन वहां से भागने लगा और वो तीनों उसका पीछा करने लगे। वे पूरे घर में उसका पीछा करने लगे, लेकिन जैसे कि प्रिस्टन इस घर के हर कोने को अच्छे से जानता था तो बदमाशों के लिए उसे पकड़ना मुश्किल हो गया। घर में बनी हुई स्लाइड और वीडियो गेम सिस्टम बदमाशों से बचने के लिए उसके काफी काम आया। फिर भी क्विगली ने उसे पकड़ ही लिया। उसी वक्त FBI ने उन्हें चारों तरफ से घेर कर प्रिस्टन को छोड़ने के लिए कहा। उन तीनों को धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और चोरी के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। FBI के हिसाब से क्विगली ही मैकिंटोश था, जिस वजह से प्रिस्टन बच गया। पुलिस ने उससे पूछताछ करना भी जरूरी नहीं समझा। बच्चे को पता चल गया कि शाही एक FBI एजेंट है
वो दुखी था क्योंकि अब शाई उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती थी। शाई ने उसे किस करने के बाद कहा कि मुझसे 10 साल बाद मिलना। बाहर जाते वक्त प्रिस्टन हेनरी से मिला जो उसके लिए आइसक्रीम लेने गया हुआ था। अब वे दोबारा एक साथ काम नहीं कर सकते थे, इसलिए उन दोनों ने एक दूसरे को अलविदा बोला। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि प्रिस्टन अपने पिता के साथ घर वापस जा रहा था। उसके परिवार ने उसके लिए एक सरप्राइज बर्थडे केक बनाया था। जब प्रिस्टन से उसकी बर्थडे विश पूछी गई तो बच्चे को रियलाइज हुआ कि वो जो कुछ लाइफ में चाहता था वो तो ऑलरेडी उसे मिल चुका है, उसकी फैमिली। सब्सक्राइब करिए ऐसी वीडियोस देखने के लिए, टर्न ऑन द नोटिफिकेशंस, और हाँ, एक लाइक पार्टी प्लानर के लिए तो बनता है। बेचारी के सारे पैसे डूब गए।